हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सो यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज की स्टूडियो में एक और एक नई धमाकेदार स्मार्टफोन डील आप लोग लेके आ चुका हूँ। ये स्मार्टफोन अभी कुछ ही महीने पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था, जो उसका 828 वाला वेरिएंट लॉन्च करा गया था अराउंड 26,000 रुपीज में। लेकिन करंटली आप फ्लिपकार्ट परचेज कर पाओगे 19,500 रुपए में। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 6,500 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कैमराज वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिलते हैं। बढ़िया डिस्प्ले, बढ़िया डिजाइन, अच्छी परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो कौन सा स्मार्टफोन है, क्या कुछ यहां पर आपको ऑफर अप्लाई करना है, कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डील आपको कहां पर से मिल रही है, कौन से स्मार्टफोन पे देखने को मिल रही है। तो डील आपको देखने को मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पर से रियलमी 12 प्रो 5G स्मार्टफोन पे। जी हाँ, भी 6-7 महीने पहले ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था, जिसका बेस वेरिएंट वो लॉन्च करा गया था 26,000 रुपीज में। लेकिन करंटली आप 19,500 रुपीज में कैसे ले पाओगे, चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ऑफर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, करंटली अगर आप फ्लिपकार्ट जाके रियलमी 12 प्रो सर्च करते हो, तो यहाँ पर इसकी प्राइस पॉइंट डायरेक्टली जो है आपको 23,000 रुपीज यहाँ पर कर दी गई है। उसके ऊपर यहां पर आपको दो ऑफर टोटल अप्लाई करना है। सबसे पहला ऑफर यहां पर जो आपको कूपन का देखने को मिल रहा है, बेसिकली आपको एक सुपर कॉइन का यहां पर इस्तेमाल करना है, 500 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे। प्लस यहां पर जो दूसरा ऑफर है, वो आपको बैंक डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास में HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक या ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, उससे पेमेंट करके ले तो 3,000 रुपए का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो 3,000 रुपए बैंक डिस्काउंट, 500 रुपए का कूपन डिस्काउंट, अगर आप माइनस कर दो 23,000 रुपए में से, तो बचता 19,500 रुपए। अब क्या आज की डेट में 19,500 रुपीज में ये स्मार्टफोन को परचेज करें नहीं करें, बिकॉज Realme 13 Pro ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। मैं बोलूंगा 19,500 रुपए में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, बिकॉज डिजाइन आपको काफी बढ़िया सी लेदर बैक वाला मिल जाता है, 120Hz का बढ़िया सी कर्व वाले डिस्प्ले देखने को मिलता है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप का आपको देखने को मिलता है। उसी के साथ में Snapdragon 6 Gen 1 की मैं बोलूंगा ये प्राइस पॉइंट पर डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है। ये स्मार्टफोन का जो सबसे बड़ा फीचर है, जो कि ये प्राइस पॉइंट पे कोई अदर ब्रांड आपको नहीं दे रहा है, वो है इसके कैमरास। 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX882 वाला सेंसर है OIS के साथ में, वो तो मतलब बाकी ब्रांड भी दे रहे हैं, एंड क्वालिटी भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलती है, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिल जाता है। लेकिन जो 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस आपको जो अंडर 20,000 रुपीज में मिल रहा है, ये स्मार्टफोन का हाइलाइटिंग फीचर है। बढ़िया कैमरा आउटपुट निकाल के यहां पर ये दे देता है। उसी के साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है, 5000mAh बैटरी के साथ में 67W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। तो कुल मिला के अगर आपका 19,000 से 20,000 रुपए के आसपास का बजट है, आपको बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए विद ऑलराउंडर फीचर्स के साथ में, डेफिनेटली Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन को देख सकते हो। अगर आप 13 Pro के साथ में कंपैरिजन करोगे, तो 13 Pro लॉन्च क्यों करें मेरी समझ के बाहर है, 12 Pro स्टिल मैं बोलूंगा बेटर है, बिकॉज 12 Pro में आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो कि 13 Pro में आपको नहीं मिलता है। उसी के साथ में 67W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जबकि आपको 13 Pro में सिर्फ 45W की चार्जिंग मिलती है, एंड वो स्मार्टफोन आपको 24,000 रुपए में मिल रहा है, ये आपको 19,500 रुपए में मिल रहा है। तो 13 Pro लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, उससे बेटर है कि अपने पैसे बचाओ, 19,500 रुपए में Realme 12 Pro को परचेस कर सकते हो। वैसे गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना Realme 12 Pro स्मार्टफोन अराउंड 19,500 रुपीस डील आपको कैसे लगी, क्या आपने ऑलरेडी डील को पहले ग्राब कर चुके हो, वीडियो देखने के बाद करने वाले हो, या डील को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, मुझे पूछना नीचे कमेंट्स में। तो आई होप कि मेरी तरफ आपको वीडियो पसंद आएगी, एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।